मैम यहाँ पे सुनिश्चित किया गया है जितने भी सेंटर्स हमारे हैं इस एग्जामिनेशन में उस पर कोई भी गतिविधि ऐसी ना हो पाए जो कि हमारे नज़र में ना आ जाए, और उसको हम कोई भी अगर कुछ ऐसा होता है, कुछ भी गलत होता है, तो हम उसको प्रॉपरली इंडिकेट करें और यहाँ पे बोर्ड को बताएं कि इस सेंटर पे कुछ चीटिंग हो रही है, कुछ भी ऐसा कुछ अगर कुछ होता है। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। BPSSC द्वारा हाल ही में 1275 बहालियाँ निकाली गई थी, कल यानी अर्ली मॉर्निंग जो है एग्ज़ाम है। ऐसे में BPSSC के द्वारा क्या कुछ इंतजाम किया गया है, अभी इस वक्त हम पहुँच गए हैं हेडक्वार्टर, जहाँ आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ कंट्रोल एंड कमांड रूम बनाया गया है, जहाँ खुद चेयरमैन जो एस के द्विवेदी सर हैं वो सारे चीज़ों का जो है निरीक्षण कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, ताकि कल जो है किसी प्रकार का कुछ यहाँ पे गड़बड़ी ना हो, इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है। देखिए कितने सारे कैमरेज जो हैं वो लगाए गए हैं, यानी कि जितने सारे सेंटर बनाए गए हैं उन तमाम सेंटर पर जो है फोकस रहेगी, ताकि चप्पे चप्पे पर जो है किसी तरह का जो अगर कहा जाए कि जो धांधली, यानी कि किसी अभ्यर्थी के जगह कोई दूसरे लोग बैठ जाते हैं, तो उनका कैसे यहाँ पे जो है जांच किया जाएगा, उनका किस तरह से यहाँ पर जो है उनकी चलती नहीं चलेगी, यानी कि अगर आप किसी दलालों के आगे अगर आप पड़े हुए हैं तो आप सावधान हो जाएं। आपके लिए BPSSC कंट्रोल रूम, कमांड रूम जो है आप पर नज़र रहेगी, और ये तमाम जो अधिकारी हैं वह उनकी निगरानी में जो है एग्ज़ाम जो है लिया जाएगा। देखिए एक सेंटर पर जो है कितने सारे लोग जो हैं वो अपने अपने तरह से जो है वो लगे हुए हैं, ताकि आने वाले समय में जो है BPSSC का जो है किसी तरह का कोई जो है किसी तरह का कोई ये ना हो, इसका खासा ख्याल रखा गया है। बता दें कि जो भी अभ्यर्थी अगर चीटिंग भी करते नज़र आते हैं तो उनको उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, यहाँ कंट्रोल रूम से जो है तमाम लोगों की नज़र है वो उन पर। ऐसे में इसके द्विवेदी सर जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी जानकारी दी और कहा कि अगर आप किसी दलाल के पीछे अगर आप पड़े हुए हैं तो आप सावधान हो जाए, आपका भविष्य बर्बाद हो सकता है, आप जो किसी तरह का बात कर। मैम यहाँ पे सुनिश्चित किया गया है जितने भी सेंटर्स हमारे हैं इस एग्जामिनेशन में उस पर कोई भी गतिविधि ऐसी ना हो पाए जो कि हमारे नज़र में ना आ जाए, और उसको हम कोई भी अगर कुछ ऐसा होता है, कुछ भी गलत होता है, तो हम उसको प्रॉपरली इंडिकेट करें और यहाँ पे बोर्ड को बताएं कि इस सेंटर पे कुछ चीटिंग हो रही है, कुछ भी ऐसा कुछ अगर कुछ होता है। और प्लस ये भी सुनिश्चित किया गया है कि जो भी जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो प्रॉपरली एग्ज़ाम दे पाएँ, और अगर बाई चांस ऐसा कुछ भी होता है जहाँ पे हमें लगता है कि ये कुछ कुछ गलत होने वाला है या कोई इंडिकेशन हमारे पास आता है, तो हम उसको फ्लैग ऑफ कर देते हैं पहले। एक सेंटर पर जो है कितने लोगों की फोकस रहेगी, यानी कि मैम हम लोगों ने यहाँ पे जोन वाइज डिवाइड कर रखे हैं सारे जो हमारा पूरा बिहार है, जैसे आप देख पाएंगे वहाँ पे भोजपुर है, यहाँ पे हमारे पास वैशाली है, ऐसे हम लोगों ने डिवाइड कर रखे हैं सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स, और हर उस पे हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे दो दो कोऑर्डिनेटर्स बैठे हुए हैं, और प्लस हम भी हमारी इंटरनल टीम भी यहाँ पे जो बैठी हुई है उनकी नज़र भी पूरी होती है 100%। यानी कि समय समय पर जरूरत पड़े तो हर सेंटर को जो है जूम करके देखा जाए। राइट। बीच में कुछ ऐसा चीज अगर पाया जाता है, यानी आप लोगों को किसी तरह का शंका होता है, तो उसे आप किस तरह से आओगे? मैम ऐसी अगर कोई शंका होती है, हमें लगता है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, तो पहले हमारी जो कोऑर्डिनेटर्स बैठे हुए हैं इनको ये उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करते हैं, और अगर ऐसा लगता है कि हाँ कुछ एक्चुअली में चीटिंग हो रही है या उनके पास कुछ कोई डिवाइस है या कुछ भी ऐसा है, तो हम लोग यहाँ से फ्लैग रेज करते हैं अपना BPPSC के जो अपने ऑफिशियल्स हैं उनको हम ये कम्युनिकेट करते हैं कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, और हमारे पास यहाँ पे फ़ोन सेटअप्स भी लगे हुए हैं जो डायरेक्टली कमांड कंट्रोल रूम से सेंटर्स पे हमारे पास नंबर्स हैं, उनको हम फ़ोन करते हैं, उनको हम कम्युनिकेट करते हैं। आप लोग जो है किसी तरह का भी अगर बच्चे जगह चीटिंग भी करते पाए जाएंगे तो जी। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था BPSSC के जो अधिकारी हैं जो यहाँ पे तमाम कंट्रोल रूम पर जिनका कमांड है उन लोगों का, कि किस तरह से यहाँ पे जो है यहाँ पे जांच की प्रक्रिया जो है वो चलती रहेगी, साथ ही साथ जो कुछ भी अभ्यर्थी के साथ हो रहा है वो तमाम एक्टिविटी जो है यहाँ से ये लोग देखेंगे। अगर उसमें जरा सा भी शंका अगर होता है तुरंत तो उस सेंटर पर जो है लोग पहुँच जाएंगे। अगर आप चीटिंग करते नज़र आएंगे तो आप बचेंगे नहीं, आपका भविष्य बर्बाद हो सकता है, तो आप जैसा कि सर ने भी बताया, अध्यक्ष जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी आदेश दिया है और कहा है कि अगर आप परीक्षा एग्जामिनेशन हॉल पर जा रहे हैं तो आप एकदम से जो है जो भी निर्देश दिया गया उसका अनुपालन करें। इसका बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ, धन्यवाद।